गुजरात सरकार की 9वीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक में भगवान ईसा को हैवान लिखे जाने पर ईसाई समाज के लोगों में रोष है। गुजरात बोर्ड ने इस साल कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किया है। नए छपकर आए पाठ्य पुस्तकों में हिंदी की किताब में भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध पर पाठ प्रकाशित किया गया है। शिक्षा बोर्ड की घोर लापरवाही का नमूना इस पाठ में देखने को मिला, जहां ईसाई धर्म के भगवान ईसा को हैवान लिख दिया गया है। इस मुद्दे ईसाई समाज के लोगों ने फतेहगंज स्थित चर्च में एकत्रित होकर मामले पर आपत्ति जताई। गुजरात राज्य के पाठ्य पुस्तिका में हिंदी सब्जेक्ट का 9 स्टैंडर्ड का जो 16 नंबर का पाठ है भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, उसके अंदर हमारे जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का उसमें बहुत ही अपमान किया गया है और हमारे पूरे समाज ख्रिस्ती समाज का बहुत ही बड़ा अपमान हुआ है। उसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा है इस संबंध में हैवान ईसा का एक कथन सदास्मय, यानी आप समझ सकते हो कि इसका मीनिंग क्या होता है। ये अगले साल भी इनसे गलती हुई है और ये आज वापस गलती हुई है, तो ये शायद हमें ऐसा लगता है कि ये गलती नहीं है, जानबूझ के किया हुआ लगता है। तो हमारी मांग ये है कि ये जिसने प्रकाशित किया उसके पे तुरंत पुलिस केस करना चाहिए और उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, और शिक्षण मंत्री अगर 2 दिन में ये पूरी पाठ्य पुस्तिका अगर वापस नहीं लेते हैं तो उनको भी राजीनामा दे देना चाहिए, और 2 दिन में अगर नहीं लेते तो हम पूरा ख्रिस्ती समाज गुजरात का नहीं भारत का भी इसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी आप ईसा मसीह जिसने पूरी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ गए, उनको कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए चढ़ गए, उनके लिए अगर ये शब्द हम सहन नहीं कर सकते, कोई हिसाब में सहन नहीं कर सकते।